2024 में हम बात करने वाले हैं 2023 के बारे में। 2023 के अंदर पॉडकास्ट ने एक अलग ही रूप ले लिया और 2024 में ये पॉडकास्टिंग जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाली है। आज से 10 साल पहले की बात करें तो लोग ये बोलते थे कि रेडियो जो है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन 2023-24 के अंदर ये चीज वापिस आ रही है। रेडियो के ऊपर भी पॉडकास्टिंग होती थी, लेकिन तरीका बदल चुका है। अब पॉडकास्टिंग के वीडियो भी आते हैं और ऑडियो भी आते हैं, जिसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से सुन सकते हैं। पॉडकास्टिंग के अंदर हजारों लाखों में नहीं, मिलियंस एंड मिलियंस के अंदर व्यूज आते हैं और 2024 में तो ये और भी नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, तो मौका आपके पास भी है। इस वीडियो को आप एक तरह से पूरा कोर्स देख सकते हो, जिसमें कि ए टू जेड सारी जानकारी देने वाला हो, और ऐसा वीडियो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं है और हिंदी के अंदर तो 110% अवेलेबल नहीं है। जाकर देख लेना, मैं रिसर्च करके आया हूं। जिसको पॉडकास्टिंग स्टार्ट करनी है उसे काफी चीजों के बारे में नॉलेज नहीं होता है, काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक पॉडकास्ट से मल्टीपल जगह से पैसे कमा सकते हैं, कैसे, बात करेंगे आगे। लेकिन पॉडकास्ट शुरू कैसे करें, बात करेंगे आगे। पॉडकास्ट पैसे कैसे कमाएं, बात करेंगे आगे। पॉडकास्ट शुरू करने के लिए क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, बात करेंगे आगे। पॉडकास्ट अकेले बना सकते हैं या फिर 2-3 लोगों की जरूरत होती है, जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, बात करेंगे आगे। पॉडकास्ट वीडियो फॉर्म में शूट करें या फिर ऑडियो फॉर्म में शूट करें, क्योंकि पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर ही नहीं चलते हैं, इसके काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे कि मिलियंस में व्यूज आते हैं, बात करेंगे आगे। पॉडकास्ट किस कैटेगरी में बनाएं, ये तो कंफ्यूजन है, लेकिन बात करेंगे आगे। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, हर जिसको कवर करेंगे। इसके साथ ही एक और चीज मैंने मिस की है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉडकास्ट को अपलोड कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं और वहां से अर्निंग कैसे होती है, क्या वहां पे भी व्यूज के ऊपर जितने ऐड आती है उस पे अर्निंग होती है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, सब कुछ कवर करते हैं। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। अभी काफी सारी चीजें थी, उसमें से सबसे पहले मैं चीज कवर कर लेता हूं जिसके बारे में आपको थोड़ा एक्साइटमेंट होगा। 2-3 सवाल तो ऐसे हैं जिसके बारे में आपको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट होगा। वो ये कि पॉडकास्ट कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, क्या पॉडकास्ट सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित रहते हैं? इसका जवाब है नहीं। जो आप यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट देखते हो ना, वो सेम पॉडकास्ट आप अगर सर्च करते हो अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वहां पे आपको पॉडकास्ट मिल जाएंगे, क्योंकि वो सेम पॉडकास्ट को अलग अलग जगह पे अपलोड करते हैं। वो एक वीडियो फॉर्म है जिसे YouTube के ऊपर लाया गया है, लेकिन उसके ऑडियो फॉर्म जो है वो काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, और एक पॉडकास्ट बनाने वाला बंदा मल्टीपल जगह से अर्निंग कर सकता है, व्लॉगिंग वाला नहीं कर सकता। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से होते हैं जिसके ऊपर कि आप ऑडियो फॉर्म से वहां पे पॉडकास्टिंग के तो पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन पॉडकास्टिंग एक ऐसी चीज है जो अगर आप एक प्रॉपर वे में करते हो तो वो सेम ऑडियो को आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर सकते हो। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही YouTube भी एक नया अपडेट लेके आया है 1 महीने पहले ही, उस अपडेट के बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ। तो बात करते हैं पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है Spotify। आप जो भी पॉडकास्ट क्रिएट करते हैं उसे आप Spotify के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। वहां से कमाई कैसे होती है वो भी आपको आगे जाके बताऊंगा, सब कुछ कवर होगा। पहले आप प्लेटफॉर्म के नाम जान लीजिए। फर्स्ट है Spotify, सेकंड नंबर पे आता है Apple पॉडकास्ट, स्पेलिंग गलत है इसके अंदर, मेरी शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। नंबर 3 पे आता है Apple म्यूजिक, नंबर 4 पे आता है गूगल पॉडकास्ट, आपके पॉडकास्ट को आप गूगल के ऊपर भी सबमिट कर सकते हो। 5th नंबर पे आता है कास्ट बॉक्स, 6th नंबर पे आता है प्लेयर्स FM, 7th नंबर पे आता है कुकू FM। इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए मेरे चैनल के ऊपर, पूरा ट्यूटोरियल है कैसे काम करना है, कैसे कमाई करनी है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही जो यहाँ पे आप PPT देख रहे हो वो PPT आप डाउनलोड कर सकते हो कम्प्लीटली फ्री में, इसके लिंक मिलेंगे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। नेक्स्ट आता है पॉकेट FM, उसके बाद आता है 9th नंबर पे जहाँ से पॉडकास्ट ने एक अच्छा खासा बूम लिया, वो है यूट्यूब, जहाँ पे कि आपको वीडियोस अपलोड करने हैं ना कि ऑडियो अपलोड करना है। बाकी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको इसी पॉडकास्ट का ऑडियो फॉर्मेट जो है वो अपलोड करना है। नेक्स्ट आता है यूट्यूब अगेन, लेकिन इसका म्यूजिक पार्ट। अब बात करते हैं यूट्यूब के न्यू अपडेट की। यूट्यूब एक न्यू अपडेट लेके आया है कि जब भी आप वीडियो को अपलोड करते हो यूट्यूब के ऊपर, एक पॉडकास्ट को अपलोड करते हो, तो वहाँ पे एक अलग सा सेक्शन आ गया है पॉडकास्ट का, ये तो आपको आइडिया होगा। इसी इसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर सकते हो, लाइव का ऑप्शन आता है, वहीं पे साइड में एक पॉडकास्ट का टैब आता है। जैसे ही वहाँ पे पॉडकास्ट का टैब आता है तो जो पॉडकास्ट में आपने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, एक न्यू अपडेट 1 महीने पहले फिर से आया कि जो वीडियो वो है पॉडकास्ट में अपलोड किया हुआ, उसका ऑटोमेटिक ऑडियो एंड वीडियो फॉर्मेट दोनों ही आपको यूट्यूब की म्यूजिक ऐप है वहाँ पे भी शो हो जाएगा। पहले ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ 30 दिन पहले ही आई है। मतलब कि जो भी पॉडकास्ट आप देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर उसे आप ऑडियो फॉर्मेट के अंदर ऑटोमेटिकली सुन सकते हो यूट्यूब म्यूजिक के अंदर। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आपकी व्यूअरशिप जो है वो डबल हो जाती है, एक तो आपको यूट्यूब वीडियो से आ रही है और सेकंड आपको आती है यूट्यूब म्यूजिक की ऐप से। अब जो लोग वहाँ पे सॉन्ग सुनते हैं यूट्यूब म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है वो भी आपके पॉडकास्ट सुनेंगे लेकिन ऑडियो फॉर्मेट के अंदर, और वो सेम चीज आपको यहाँ भी दिख जाती है, तो डबल व्यूअरशिप हो जाती है आपकी। तो सबसे मेजर फायदा ये भी है, यूट्यूब भी इसको पुश कर रहा है 2024 के अंदर, 2023 के एंड में, मतलब दिसंबर में अपडेट आया
है। 2024 में अपडेट से काफी सारे पॉडकास्टर को काफी सारी हेल्प मिलने वाली है व्यूअरशिप के अंदर और उनकी अर्निंग के अंदर। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो है सोनेट। 12th नंबर पे आता है पॉडकास्ट गुरु। 13th नंबर पे आता है पोड हीरो। 14th नंबर पे आता है पॉडकास्ट रिपब्लिक। ये सभी प्लेटफॉर्म जो है आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो, वहां पे जाके एज एन क्रिएटर एज एन पॉडकास्टर वहां पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फिर वहां पे आपको आपके पॉडकास्ट अपलोड करने हैं। वॉइस ऐप प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी वॉइस टेस्टिंग होती है। वॉइस ऐप प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके जो पॉडकास्ट है उसका रिव्यू होता है, उसके बाद ही वो लाइव होते हैं। तो काफी सारे हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग रूल्स हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पूरा ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं वन बाय वन ट्यूटोरियल लेके आऊंगा इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन आपको नीचे कमेंट करने की जरूरत है। 15 नंबर पे आता है रेडियो रिपब्लिक। 16 नंबर पे आता है पॉडबीन। 17 नंबर पे आता है पॉडकास्ट एडिक्ट। 18 नंबर पे आता है कास्टरो। 19 नंबर पे आता है बुलहॉर्न और 20 नंबर पे आता है ओवरकास्ट और लास्ट आता है स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर। फर्स्ट नंबर पे था स्पॉटिफाई, लास्ट नंबर पे आता है स्पॉटिफाई फॉर पॉडकास्टर। मतलब कि जो पॉडकास्टिंग करते हैं उनके लिए स्पॉटिफाई ने एक अलग प्लेटफॉर्म निकाला है, लेकिन जो स्पॉटिफाई की म्यूजिक ऐप है वहां पे भी वो पॉडकास्ट जो है वो शो होता है और वही पॉडकास्ट यहाँ भी शो होता है। तो मैंने बताया यहाँ पे 21 ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप पॉडकास्ट को अपलोड कर सकते हो। इन सभी के ऊपर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, आप खुद से मोनेटाइज कर सकते हो, काफी सारी चीजों से आप खुद से कमाई कर सकते हो। वो सभी के बारे में आगे बात करने वाले हैं। अब इतने प्लेटफॉर्म आपको एक साथ किसी वीडियो में किसी बंदे ने नहीं बताए होंगे, तो यही एक मेन चीज है इस कोर्स की कि यहाँ पे आपको सब कुछ चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हो गया हमारे 21 पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म। अब आपको प्लेटफॉर्म तो समझ में आ गए हैं कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं, लेकिन आपको एक मेजर चीज का अपडेट मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, जो कि आपको काफी सारे यूट्यूब वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग बोलते हैं, भले वो यूट्यूब के फॉर्म में हो या फिर पॉडकास्टिंग के फॉर्म में हो, उसे आप ध्यान से सुन लेना। अब हम यहाँ पे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, पॉडकास्ट को शुरू कैसे करें। सबसे मेजर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसमें कि काफी सारे लोगों में मिथ भी है, काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है। अब पूरा प्रोसेस कैसे करना है, सेटअप कैसे करना है, सब कुछ जानकारी आपको दूंगा। इस पे हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, इसलिए इस चीज को आप ध्यान से सुनना। देखने का कुछ भी नहीं है, सुनने का ज्यादा है और कॉन्सेंट्रेट करने का ज्यादा है। अपने काफी सारे वीडियो देख के रखे हुए हैं यूट्यूब के ऊपर और काफी सारे यूट्यूब क्रिएटर जो हैं जो कि यूट्यूब का गाइड देते हैं, वहां पे आपने देख के रखा होगा कि जिस स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब एक बेसिक सा मोबाइल ले लीजिए, बेसिक सा मैक ले लीजिए, आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं, सब कुछ चीज बेस्ट है, यहाँ पे कुछ भी गलती नहीं है। लेकिन ये चीज काम करती है एक लक फैक्टर के ऊपर। लक फैक्टर मतलब कि आपने एक वीडियो क्रिएट किया, आपने 5-6 वीडियो क्रिएट किए, कुछ वीडियो हो सकता है तो केस आपका चल गया, आपको नॉलेज नहीं है, आपको थंबनेल का नॉलेज नहीं है। बहुत से लोगों का देखना थंबनेल अच्छा नहीं होता है, उनके कंटेंट में दम नहीं होता, वॉच टाइम नहीं आता, फिर भी वीडियो वायरल होते हैं। और सेम चीज आती है पॉडकास्ट के लिए। जब भी आप पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, उसके अंदर आपको एक मेजर चीज की जरूरत पड़ती है। 2024 आ चुका है, हर बंदे को एक क्वालिटी कंटेंट चाहिए, क्वालिटी वॉइस चाहिए, क्वालिटी वीडियो चाहिए, क्वालिटी म्यूजिक चाहिए, हर चीज की एक क्वालिटी चीज जिसे वो लास्ट तक सुन सके। वो टाइम अलग था जब यूट्यूबर बहुत ही कम हुआ करते थे, लोगों के पास सुनने का ऑप्शन नहीं होता था, लोगों के पास देखने का ऑप्शन नहीं होता था, पॉडकास्ट बहुत कम थे, भले ही वो अदर एप्लीकेशंस के ऊपर हो, स्पॉटिफाई पर हो, एप्पल म्यूजिक पे हो, लेकिन अब कंपटीशन बढ़ चुका है। आपको अप्रूवल भी नहीं मिलता है, आपके पॉडकास्ट इन प्लेटफॉर्म के ऊपर रिजेक्ट भी हो जाते हैं, आपको यहाँ पे व्यूअरशिप भी नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे लिसनर्स नहीं मिलते हैं, ये सभी चीजें होती है। तो स्टार्टिंग करने के लिए आपको एक क्वालिटी चीज चाहिए होगी। क्वालिटी चीज के अंदर आपको सबसे मेन पॉडकास्टिंग में क्या चाहिए होता है, माइक चाहिए होता है। अब कौन से माइक लेने हैं वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, कोई प्रमोशन नहीं है, एक जेन्युइन चीज बताऊंगा। कुछ माइक होंगे जो बजट में होंगे, कुछ माइक होंगे जो बजट के बाहर होंगे। ऐसे बंदे जो इन्वेस्ट कर सकते हैं वो अच्छा माइक लें, ऐसे बंदे जो कम इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके लिए ड्रोन के बहुत ही अच्छे माइक लेके आया हूँ, वो आप बाय कर सकते हैं, और उसमें मैं किसी भी ब्रांड या कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक अच्छा सा माइक बाय करना होगा, क्वालिटी माइक बाय करना होगा, आपकी वॉइस के ऊपर आपको काम करना होगा, वॉइस आपकी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि मेरी वॉइस से मैं काफी सारे वर्ड मिक्स करता हूँ, ये सब कुछ पॉडकास्ट में काम नहीं आता है। पॉडकास्ट में आपकी वॉइस जो है वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, या फिर उसे आप ऑडियो मिक्सिंग के अंदर काम में ले सकते हैं। ऑडियो एडिट जब आप करते हैं तो आप वो चीज कर सकते हैं। उसके बाद आपका कंटेंट, जो भी पॉडकास्ट आप करते हो, बहुत से टाइम में क्या होता है, हम कुछ पॉडकास्ट करते हैं, कुछ वीडियो क्रिएट करते हैं, या फिर नॉर्मली किसी लोगों से बात भी करते हैं, उसमें क्या होता है बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती रहती है, कुछ लाइन है जो हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगर ऐसा पॉडकास्ट में होता है, इनकी चीज को हम बार बार बोलते हैं तो लोग उससे इरिटेट होते हैं या फिर बोर हो जाते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि इस बंदे को इस चीज का नॉलेज नहीं है तो वहां से वो एग्जिट मान लेते हैं। मतलब कि आपकी यहाँ पे व्यूअरशिप और आपके लिसनर्स जो है वो डाउन हो जाते हैं।
तो आपको वॉच टाइम उड़ा करने के लिए कंटेंट में बहुत ही काम करना होगा। आप कोई भी पॉडकास्ट करते हैं, अब इसे पॉडकास्ट दो तरीके के होते हैं, या तो एक आप खुद से पॉडकास्ट करते हो सिंगल बंदे, और एक होता है कि आप दो तीन बंदे बात कर रहे हो। जब यहाँ पे दो तीन बंदे बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही कम होती है कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करो या फिर स्क्रिप्ट की जरूरत बहुत ही कम होती है। यहाँ पे क्या होता है, जब आप दो तीन बंदों के साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन की लिस्ट बनानी होती है। पहले ये क्वेश्चन होगा, इसका ये आंसर देगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, इस तरीके से बनता है। लेकिन अगर आप अकेले पॉडकास्ट करते हो तो उसमें क्या चीज़ जरूरी होती है कि आपको एक स्क्रिप्ट रेडी करनी होती है। आपको कुछ इस तरीके से बुक लेनी है और इसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट लिखनी होती है। स्क्रिप्ट से ही आपका जो वॉच टाइम है वो इंक्रीज होता है, इसलिए वॉच टाइम के ऊपर काम करना है तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी। आपको बुलेट पॉइंट क्रिएट करनी होगी, जब भी पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसे कैसे बंदों को अट्रैक्ट करें कि वो पॉडकास्ट के अंदर लास्ट तक बने रहें। तो इसीलिए आपको काम करना होता है स्क्रिप्ट के ऊपर भी। तो फर्स्ट चीज होगी कि आपको क्वालिटी माइक चाहिए होगा, सेकंड कि आपको स्क्रिप्ट लिखनी होगी। नेक्स्ट चीज आती है इसमें की कैटेगरी, आपको पॉडकास्ट शुरू करना है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आपको पॉडकास्ट शुरू करने की जरूरत है। ये सब स्टार्टिंग फेज होता है। जब आप पॉडकास्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपको कुछ आइडिया नहीं होता। पॉडकास्ट में क्या होता है, बंदे अपना नॉलेज शेयर करते हैं। पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं है कि माइक लिया और कुछ भी बोलना चालू हो गए। आप जितने भी पॉडकास्ट देखते हो, मोस्ट ऑफ लोगों ने यूट्यूब के ऊपर पॉडकास्ट देखे ही होंगे, उसमें क्या होता है, लोग अपना नॉलेज शेयर करते हैं। इसीलिए आप जिस भी कैटेगरी के अंदर पॉडकास्ट क्रिएट करते हो, जिस भी फील्ड के अंदर पॉडकास्ट क्रिएट करते हो, सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। या फिर आप एज एन एंकर आपका पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हो, पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर रहे हो, मतलब कि आप बंदों को वहाँ पे हायर करते हो, फिर बंदो किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन उसके पहले भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंकर हूँ और एक बंदे को यहाँ पे इनवाइट करता हूँ और वो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ मेरे को ज्ञान देता है, तो मुझे बेसिक नॉलेज होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का, ताकि मैं उसे सवाल पूछ सकूँ, वो मुझे जवाब दे सके। ये चीज़ आती है एंकरिंग के टाइम पे। लेकिन सेकंड चीज आती है कि आप खुद अकेले पॉडकास्ट कर रहे हो, किसी बंदे को यहाँ पे इनवाइट नहीं कर रहे हो और बहुत से पॉडकास्ट आपको अकेले करने होते हैं, तो उस केस में आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंदर पॉडकास्ट करोगे। आपको मेडिकल फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आपको फिल्म के अंदर इंटरेस्ट है, आपको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आपको एजुकेशन कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट है, आपको हॉरर चीज में इंटरेस्ट है। इन सभी कैटेगरी के अंदर आपको डिसाइड करना है कि मुझे पहले इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। ठीक है, इंटरेस्ट होगा तो आप खुद में कुछ कुछ चीज को सीख लोगे। आपको स्टार्टिंग फेज में नॉलेज नहीं है चल जाएगा, क्लियरली बोलता हूँ, ये बहुत सी चीजें इसको गलत बोलेंगे, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो चल जाएगा। लेकिन जैसे आपको उस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो आप जब भी किसी चीज को बनाओगे तो उसके पहले खुद से रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें काम कैसे करती है। आप उसे समझोगे, आप उसे लॉन्ग टाइम तक देखते रहोगे। अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है और उसके ऊपर आपने पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दिया, आपको नॉलेज भी है, तो आप एक दो पॉडकास्ट के बाद रुक जाओगे, आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसके अंदर, आप कुछ और टॉपिक में रिसर्च करना आपको मजा नहीं आ रहा उसके अंदर। जब मैंने YouTube चैनल चालू किया था तब भी यही चीज थी। तो पॉडकास्टिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है, आपको नॉलेज कम है चल जाएगा, इंटरेस्ट होना चाहिए हाई। फॉर एग्जांपल आप स्टार्टअप के अंदर एक पॉडकास्ट क्रिएट करते हो, स्टार्टअप्स का नॉलेज देते हो, आपको बेसिक सा नॉलेज है, लेकिन आपको इस फील्ड के अंदर इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप उसके ऊपर रिसर्च करोगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए एक हफ्ते के बाद पॉडकास्ट आएगा, उसके पहले रिसर्च करोगे, जानोगे, समझोगे, फिर उसके ऊपर काम चालू करोगे। तो ये होता है पॉडकास्टिंग चालू करने के पहले कैटेगरी डिसाइड करना बहुत कंपलसरी है। इसके लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। कुछ भी उठा के देख रहे हो कि इस बंदे का पॉडकास्ट अच्छा चल रहा है, मैं इस कैटेगरी के ऊपर पॉडकास्ट बना देता हूँ, इसके ऊपर इसका अच्छा चल रहा है, मैं इसके ऊपर बना देता हूँ, वो देख के नहीं करना। आपका नॉलेज, आपका इंटरेस्ट, ये सब कुछ होना चाहिए, तभी आपको ये चीज डिसाइड करनी है। पॉडकास्ट शुरू करने के पहले एक और सवाल आता है, पॉडकास्ट वीडियो फॉर्म में शूट करें या फिर ऑडियो फॉर्म में। मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप पॉडकास्ट क्रिएट करें, आप वीडियो फॉर्म में शूट करें। वीडियो फॉर्म में शूट करोगे तो उसे आप यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर सकते हो। सेकंड चीज कि जब आप वीडियो फॉर्म में पॉडकास्ट को शूट करोगे तो आपका अटेंशन बढ़ जाता है, आप बहुत ही उस चीज को सीरियसली लेते हो, आपको समझ में आता है कि आप क्या बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है उसमें, आप कैमरे में देख के चीजें करते हो तो आपका फोकस रहता है, आप किसी टॉपिक के बारे में कुछ कर रहे हो तो आपका फोकस रहता है। लेकिन आप इसे ऑडियो फॉर्म में करते हो तो फर्स्ट चीज आप यूट्यूब को छोड़ रहे हो वहाँ पे एक तरह से, ठीक है। तो आपको यूट्यूब को छोड़ना नहीं है, अगर आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना ही करना है, इसीलिए आपको पॉडकास्ट वीडियो फॉर्म में करना है। उसके साथ ही जैसे आप वीडियो फॉर्म में उसको क्रिएट कर ले, उसकी जब एडिटिंग करोगे, एडिटिंग करने टाइम उसकी एक MP3 फाइल भी क्रिएट कर ले और एक फाइल उसकी वीडियो फॉर्म पर क्रिएट कर ले। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ऑडियो अपलोड करना है वहाँ पे ऑडियो अपलोड कर दीजिए, जिस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो अपलोड करना है वहाँ पे वीडियो अपलोड कर दीजिए। आपका एक टाइम पे दोनों काम हो जाएगा, अदरवाइज आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्रो नहीं कर पाओगे, अदरवाइज आपका यूट्यूब जो छूट जाएगा, और यूट्यूब के ऊपर आजकल पॉडकास्ट बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। एक और चीज़ थी कि पॉडकास्ट अकेले बना सकते हैं या दो तीन लोगों की जरूरत होगी क्या। अब डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में बना रहे हो। आपको सिर्फ लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना है,
फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल फील्ड के अंदर हो तो आप स्टार्ट में 10 पॉडकास्ट आपको खुद को बनाने हैं, लोगों को गाइड देना है, फिर आप किसी बंदे को इन्वाइट करो, ये चीज कर सकते हो। या फिर आप फ्रॉम डे वन जाओगे तो आपको ऐसे बंदे कहाँ से लेके आओगे जो आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपके चैनल के ऊपर आएंगे, क्योंकि आपके पास लिसनर्स जो है वो जीरो है, सब्सक्राइबर जो है जीरो है, फॉलोअर जो है वो जीरो है, तो लोग यहाँ पे आते नहीं है। तो स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको स्टार्ट अकेले ही करना है। आप अकेले करोगे फिर आपके पास धीरे धीरे लोग आएंगे, या फिर अगर आप दो तीन लोग मिलकर शुरू करना चाहते हो तो ये चीज हो सकती है। आपने काफी सारे यूट्यूबर देखे होंगे जहाँ पे दो या तीन फ्रेंड मिलकर चालू करते हैं, आसपास के रिलेटिव्स को बुलाते हैं, या फिर जो चीज उसमें, या फिर जो बंदे जिस चीज में एक्सपर्ट है उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, धीरे धीरे उनका चैनल ग्रो होता है। इसमें क्या विन विन सिचुएशन होती है, जिस बंदे को आप इन्वाइट कर रहे हो वो भी फेमस नहीं है, उसे कोई लोग जानते नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके नॉलेज से लोग उससे पसंद करने लगे, वो बंदा खुद वायरल हो जाए। तो इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, या फिर आप अकेले भी कर रहे हो तो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट हैं उन्हें आप इनवाइट कर सकते हो, अगर आप एंकरिंग स्टार्टिंग से करना चाहते हो। तो अगर आपको स्टार्टिंग से एंकरिंग नहीं करनी और खुद की एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, तो आपको स्टार्टिंग अकेले करनी है। आपको नॉलेज है वो लोगों को बताना है, फिर आप और भी एक्सपर्ट्स को वहां पे बुलाएं, ये दो चीज कर सकते हो। ये कंप्लीटली डिपेंड आपके ऊपर करता है। जब भी आप पॉडकास्ट को शूट करते हो उसके बाद सबसे मेजर चीज क्या आती है, वो है आपकी वॉइस एडिटिंग। आपको वॉइस के ऊपर बहुत ही ध्यान देना है। वॉइस सबसे अट्रैक्टिव होती है पॉडकास्ट के अंदर। आपकी वॉइस अच्छी नहीं है, हैवी नहीं है, क्लियर नहीं है, इसे बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पॉडकास्ट इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। इसके साथ जो आप अगर पॉडकास्ट में बैकग्राउंड म्यूजिक रखते हो तो बहुत ही स्नोथिंग रखना, बहुत ही लो रखना, कानों में चुभना नहीं चाहिए, आपकी वॉइस उसमें डाउन नहीं होनी चाहिए, वॉइस हैवी होनी चाहिए, ये सब कुछ ध्यान आपको रखना है। काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है ऑडियो मिक्सिंग के लिए, उसमें से एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्लीटली फ्री है, आप लोगों के लिए बताया मैंने, मैं इसे यूज नहीं करता हूँ लेकिन मैंने आपके लिए डाउनलोड किया है आपको गाइड देने के लिए। इस सॉफ्टवेयर का नाम है ओडासिटी। ओडासिटी कंप्लीटली फ्री है, आपको एक रुपया खर्च नहीं करना, और मैं इसका यहाँ पे प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। ओडासिटी को आप डाउनलोड कर सकते हो कंप्लीटली फ्री में, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आना है, आपकी ऑडियो फाइल को अपलोड करना है, इसमें आप बैकग्राउंड म्यूजिक, नॉइस, इको सब कुछ यहाँ पे आपका क्लियर हो सकता है। इसके बाद आपको आपकी वॉइस हैवी करनी है, पतली करनी है, सेटल करनी है, कुछ भी करना है, आपकी वॉइस के साथ खेल सकते हो इसके अंदर। और ये सॉफ्टवेयर फ्री में है, इसका नाम है ओडासिटी, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छे माइक्स हैं, कुछ माइक हैं जो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल भी प्रमोटेड नहीं है, ना स्पॉन्सर है, इसे आप चाहे तो बाय कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो बाय ना करें। सभी चीज को बता रहा हूँ, टॉप 5 माइक बता रहा हूँ आपकी पॉडकास्टिंग के लिए। फर्स्ट नंबर पे आता है जेबीएल का कमर्शियल CSUM10, इसकी प्राइस जो है 4000 रुपए पड़ने वाली, आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा माइक है, बहुत ही क्लियर वॉइस आती है इसके अंदर, आप इसे चाहे तो बाय कर सकते हैं। बजट फ्रेंडली है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, अगर आपको स्टार्ट करना है तो पॉडकास्टिंग एक बिजनेस है वो सोच के आपको शुरू करने की जरूरत है, इस माइक को आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक जो आता है हमारा वो आता है माउंटो AU-A03, इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पे आपको 3000 पड़ने वाली है, लास्ट वाले से 1000 रुपए कम है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टैंड मिल जाएगा यहाँ पे, जिसे आप टेबल से कनेक्ट कर सकते हो। 3000 रुपए में बहुत ही अच्छा है, आप चाहे तो इसे ले सकते हैं, इसमें वॉइस क्लियरेंस भी है, अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप इसे चाहे तो बाय कर सकते हैं। इन सभी के लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके कोई भी माइक को आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक जो है ये मेरा फेवरेट है और इसमें जो भी बाय करने वाला हूँ, माउंटो AU-PM422, प्राइस है 5790। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, फिक्स प्राइस नहीं है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ इसकी रेटिंग भी अच्छी आ रही है यहाँ पे अमेजोन के ऊपर, आपको मिल जाएगा। आपकी पॉडकास्ट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए ये माइक सबसे बेस्ट है, मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूँ, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट माइक की बात करते हैं, वो है ब्लू येती, काफी ज्यादा फेमस माइक, काफी कॉस्टली भी है, 10000 में आपको पड़ने वाला है। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, अच्छे से फील्ड से स्टार्ट करूं, अच्छे से स्टूडियो सेटअप करूं, उसके लिए ब्लू येती सबसे बेस्ट है, 10995 का आपको पड़ने वाला है। इसकी लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आप इसे बाय कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट माइक है अगर आप पॉडकास्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो। लेकिन आप सोच रहे हो कि आपको एक ही टाइम पे दो बंदों से बात कर सके, ऐसा माइक चाहिए, वो भी वायरलेस माइक चाहिए, ऐसा माइक मैंने आपके लिए ढूंढ के रखा है, वो है डिजीटेक का। ये माइक बहुत ही सस्ता है, 3000 में पड़ने वाला है, सी टाइप कनेक्शन आएगा, इसमें आपको दो माइक मिल जाएंगे। जैसे ही आप मोबाइल में कनेक्ट करते हो, कुछ भी आपको कनेक्शन नहीं करना, ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं करना, जैसे आपने अटैच किया डायरेक्टली दोनों माइक एक्टिव हो जाएंगे। इस माइक को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और सामने जिस बंदे से बात कर रहे हो वहाँ भी ये माइक कनेक्ट हो जाएगा। ऑडियो क्वालिटी अच्छी है और अच्छा खासा एरिया कवर कर लेता है, अगर आपका मोबाइल 15-20 फीट की दूरी पे है तो भी बहुत ही अच्छी क्लियर वॉइस आ जाएगी इसके अंदर। प्राइस भी कम है, 3000 में आपको दो माइक मिल रहे हैं, लेकिन इसमें चार्जिंग की दिक्कत रहती है, आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आपको इस चीज से दिक्कत नहीं है तो आप इस माइक को बाय कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। पॉडकास्टिंग करने के लिए ये 5 माइक मैंने आपके लिए सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, आप चाहे तो किसी भी माइक को आप यहाँ बाय कर सकते हैं। एक और सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ से मुझे कमाई कैसे करनी है, कमाई करने के कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इस बात को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। अब आता है सबसे मेन टॉपिक जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, कि पॉडकास्ट से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, पॉडकास्ट से पैसे कमाने के कितने तरीके हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा।
वो तरीके जानने के बाद आप सोचोगे कि यार इसको पॉडकास्टिंग बोलते हैं, इतने तरीके हैं पॉडकास्टिंग से पैसे कमाने के, ये तो आपको पता भी नहीं होगा। और ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं होगा, और इस चीज से लोग इंडिया के बाहर ज्यादा कमाते हैं। वो आइडिया भी मैंने यहाँ पे कवर करके रखे हुए हैं। उस आइडिया को आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर आपके पॉडकास्ट के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हो। पॉडकास्ट से पैसे कैसे कमाएं, मैंने आपको यहाँ पे 10 तरीके बता के रखे हुए हैं। ईबीपीटी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो इसके लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है अफिलिएट्स, जो कि बहुत ही बेसिक है। हर कोई बंदा जो वीडियो क्रिएट करता है वो अफिलिएट करता ही है किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी चीज को लेके, और अफिलिएट से काफी अच्छी कमाई होती है। जितनी अर्निंग यूट्यूब के अंदर मोनेटाइजेशन से नहीं होती, उतनी यहाँ पे अफिलिएट्स होती है। और ये चीज आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं है। आप इंस्टा से कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप टेलीग्राम से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, आप अदर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्रांड प्रमोशन, सबसे तगड़ी कमाई। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, इस दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ब्रांड प्रमोशन सबसे हाईएस्ट पैसा होता है। आपके अगर 1,00,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1,00,000 फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो ब्रांड आपको एक एक वीडियो शूट करने का 30-40,000 रुपए पे करती है। मतलब कि 5 मिनट का वीडियो क्रिएट करने का आपको 30-40,000 रुपए इजीली मिल जाते हैं। ये 1,00,000 सब्सक्राइबर 1,00,000 फॉलोअर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप किसी से ज्यादा हैं तो आप इसे ज्यादा चार्ज कर सकते हो। महीने में आपको एक ब्रांड प्रमोशन आता है तो इतना पैसा आपका साइड में निकल जाता है, फिर आपका मोनेटाइजेशन, ड्रॉप शिपिंग, ड्रॉप सेलिंग, ड्रॉप सर्विसिंग, बहुत कुछ निकल जाता है। तो ब्रांड प्रमोशन बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है कमाई करने का। अगर आपके फॉलोअर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं तो ब्रांड आपको खोल के पैसा देती है, दोनों हाथ खोल के पैसा देती है प्रमोशन करने का। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म आता है क्राउड फंडिंग। काफी सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो क्राउड फंडिंग करते हैं किसी किसी चीजों के लिए। फेमस यूट्यूबर की बात करें तो भुवन बन, कैरी मिनाटी, रणबीर अलाबादिया जैसे काफी बड़े यूट्यूबर जो है वो क्राउड फंडिंग करते हैं। आप क्राउड फंडिंग आप खुद के लिए कर सकते हो, स्टूडियो सेटअप के लिए कर सकते हो, या फिर क्राउड फंडिंग आप किसी की हेल्प के लिए कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें होती है, डिपेंड करता है आपको क्राउड फंडिंग क्यों करनी है, लेकिन क्राउड फंडिंग से आप अच्छा खासा पैसा उठा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका कितना सब्सक्राइबर बेस है। अगर आपका 2,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर बेस हो चुका है तो आपको क्राउड फंडिंग में अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। तगड़े नहीं बोल सकता लेकिन अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेल कोर्स। आप पॉडकास्ट कुछ भी क्रिएट करो, कहीं भी क्रिएट करो, कोर्स सेल करके अच्छी कमाई होती है। बड़ा बिजनेस का नाम सुना ही होगा ना, 500-700 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया सिर्फ कोर्स सेल करके। उनका तरीका गलत था, वो फ्रॉड कर रहे थे, स्कैम कर रहे थे, वो चीज अलग है। लेकिन इसके अलावा काफी सारे लोग मार्केट में ऐसे हैं जो कोर्स सेल करते हैं, एक एक कोर्स वो 1,000 रुपए का सेल करते हैं। दिन के 5 कोर्स भी सेल हो गए थे, दिन के 1,000 रुपए होते हैं, महीने कितने होते हैं खुद काउंट कर लीजिए। कोर्स सेलिंग बहुत ही तगड़ा बिजनेस है, बहुत बूम मार रहा है, लोग बहुत कोर्स सेल कर रहे हैं। लेकिन कोर्स सेलिंग के अंदर आपके पास ऑडियंस है, कोर्स लॉन्च करते ही आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट डे से ही। पहले ऑडियंस बिल्ड कीजिए, इसके ऊपर पहले फोकस नहीं करना आपको कोर्स बिल्डिंग के ऊपर। पहले ऑडियंस 1-2 लाख हो जाए, फिर कोर्स के ऊपर काम कीजिए, टीम बिल्ड कीजिए, अच्छे से एडिटिंग कीजिए, जो भी कोर्स बाय कर रहे हैं उन्हें वैल्यू प्रोवाइड कीजिए। अगर आपका कोर्स अच्छा है तो वो आपसे लाइफ टाइम कनेक्ट हो जाएंगे, आप और भी प्रोडक्ट उन्हें सेल कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन भी आपके लिए अच्छा है। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के बारे में, वो है डोनेशन। वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट बड़ी वेबसाइट के अंदर नाम आता है विकिपीडिया का। विकिपीडिया के अंदर अर्निंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ डोनेशन है। विकिपीडिया की कमाई सिर्फ और सिर्फ डोनेशन से होती है। करोड़ों रुपए की कंपनी है और कमाई सिर्फ डोनेशन से होती है। वहां पे एक ऑप्शन है विकिपीडिया के ऊपर, आपको एड शो नहीं होती है, कुछ भी प्रमोशन शो नहीं होता, लेकिन आप कुछ भी आर्टिकल पढ़ते हो या कुछ भी चीज करते हो, नीचे वहां पे डोनेशन का ऑप्शन होता है कि आपकी इच्छा के अनुसार आप हमें डोनेट कर सकते हैं। लोग वहां पे $1, $2, $0.50, ₹5, ₹10, कुछ भी करेंसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे उन्हें डोनेट करते हैं, और डोनेट कर करके ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और विकिपीडिया आप सोच सकते हैं कितने बड़े ब्रांड है, उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना अच्छा है, और सब कुछ आता है डोनेशन के अंदर, जिससे कि उनको फायदा होता है कि उन्हें टैक्स पे भी नहीं करना पड़ता। यूट्यूब से भी आप डोनेशन ले सकते हैं, पॉडकास्टिंग के थ्रू भी आप डोनेशन ले सकते हैं, बहुत कुछ ऑप्शन है यहाँ पे कमाई करने के। फिफ्थ ऑप्शन ये हो गया। सिक्स नंबर पे आता है सेल प्रोडक्ट। आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या फिर डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर फाइल्स वगैरह आती है, पीडीएफ फाइल्स वगैरह आती है, ईबुक्स वगैरह आती है, कोर्स वगैरह आते हैं। और फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर होता है कि आपकी व्यूअरशिप बढ़ चुकी है, आपके 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं या फिर 7-8 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप अपना खुद का एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट लॉन्च करते हो, ईयरफोन्स वगैरह लॉन्च करते हो, कोई भी चीज को आप लॉन्च कर सकते हो और उससे लोग वहां से बाय करेंगे, क्योंकि आपके पास एक कस्टमर बेस है, आपके पास एक सब्सक्राइबर बेस है, 7-8 लाख आपको देखते हैं रोजाना, आपकी डेली की कम से कम 100-200 सेल तो इजीली आ जाएंगी, और ये चीज आप कर सकते हो। लेकिन पहले आपको अगेन बोलता हूँ, पॉडकास्ट के ऊपर आके आपको सब्सक्राइबर बेस क्रिएट करना है, फॉलोअर्स क्रिएट करने हैं, लिसनर्स क्रिएट करने हैं, आपकी फैन फॉलोइंग इंक्रीज करनी है, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करनी है, उसके बाद ये सब चीजें काम करती है। ऑप्शन है, इस सब बाद में जरूर कर सकते हैं, रनिंग फेज में इसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। सबसे मेन एड्स,
YouTube के ऊपर जाएं, Spotify के ऊपर जाएं, Apple Music के ऊपर जाएं, कहीं पर भी जाएं, एड के थ्रू आपकी कमाई होती है। सभी के ऊपर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी आपके लिस्टर्स आते हैं पॉडकास्ट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग आपको कमाई होगी। सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एड्स के थ्रू पैसा मिलने ही वाला है। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपके लिस्टर्स आ रहे हैं। आपने पॉडकास्ट डाल दिया, आपके लिस्टर आए, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, नहीं आप ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो, नहीं आप डोनेशन ले रहे हो, नहीं आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ना सर्विस सेल कर रहे हो, फिर भी आपके एड के थ्रू ऑटोमेटिक पैसिवली पैसे आते रहेंगे। तो ये ऑप्शन सबसे तगड़ा, इसके लिए लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। एड्स का मोनेटाइजेशन जहां से आप अच्छे खासे पैसे निकाल सकते हो, अच्छे खासे क्या, 2-3 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो हर महीने के लाख तो पे ही नहीं गए। बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, तो वो है होस्ट एंड इवेंट। आप पॉडकास्ट के ऊपर आके इवेंट होस्ट कर सकते हो। आपने FM वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे एंकर्स वगैरह आते हैं जिसको बोलते हैं कि रेडियो जॉकी, सीजनली वहाँ पे इवेंट को होस्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम अभी यहाँ पे गया था, क्रिसमस के ऊपर किसी ने इवेंट होस्ट किया होगा, तो आप ये चीज पॉडकास्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इवेंट को होस्ट कीजिए, लोगों को इन्वाइट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, सब कुछ कर सकते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। या फिर आप कॉर्पोरेट के लिए इवेंट होस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप चार्जेस लेते हैं, तो ये सब कुछ चीजें होती है। लेकिन एक बार आपके ब्रांड इमेज बनने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मेंबरशिप। वहां पे ऑप्शन आता है मेंबरशिप का कि आप बहुत सारे पॉडकास्ट अपलोड कर रहे हो, लेकिन कुछ पॉडकास्ट ऐसे हैं जिसमें कि आप उन्हें ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हो, जो कि नॉर्मल पब्लिकों के लिए अवेलेबल नहीं है। उस पॉडकास्ट के लिए, उस मेंबरशिप के लिए आप 200, 300, 500, 1000, 2000 आपके अकॉर्डिंग चार्ज देते हो और वहां पे कुछ चीजें अपलोड करते हो जो सिर्फ उनके लिए है। जब भी वो बंदे आपके वीडियो पे कमेंट करते हैं तो उनका कमेंट ऊपर शो होगा, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। ये सब कुछ आता है मेंबरशिप के अंदर। तो मेंबरशिप का ऑप्शन, आप जैसे आपके 10,000-15,000 फॉलोअर्स आ जाए, फिर आप मेंबरशिप स्टार्ट कर सकते हो, लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको जो प्रीमियम कंटेंट है उसे देखने के लिए वो आपको पैसा पे करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रॉयल। जो भी पॉडकास्ट आपके पास है, इसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करते हो, फॉर एग्जांपल एप्पल म्यूजिक के ऊपर अपलोड करते हो, स्पॉटिफाई पे अपलोड करते हो, वहां से आपको रॉयल्टी पैसा भी मिलता है जो ब्रांड आपको पे करती है। इसके साथ ही आप अपने कंटेंट को सेल कर सकते हो किसी कंपनी को। जैसे कि आपका पॉडकास्ट यूट्यूब के ऊपर काफी चल रहा है, आपके 3-4 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो ब्रांड आपसे कॉन्टेक्ट करता है कि जो कुछ भी कंटेंट आप वहां पर डाल रहे हो वो आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दीजिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास स्पॉटिफाई आता है या फिर एप्पल म्यूजिक आता है, उनका मेल आएगा आपके पास कि जो आपके अच्छे व्यूअरशिप आ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कीजिए, हम आपको रॉयल्टी देंगे। ये होती है रॉयल्टी मनी। प्लेटफॉर्म आपके पास चल के आता है आपके यूट्यूब का कंटेंट और व्यूज देखने के बाद, और वो उस सेम कंटेंट को उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल कराने के लिए आपको पैसा देता है। जैसे कि कोई मूवी वगैरह लॉन्च होती है, उसमें नेटफ्लिक्स खुद जाता है कि आपकी मूवी को हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कीजिए। तो आपने देखा होगा काफी सारे यूट्यूब जो पॉडकास्ट करते हैं उनका किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर उनका कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है, स्पॉटिफाई पे हो गया, एप्पल म्यूजिक पे हो गया, गूगल पॉडकास्ट पे हो गया। इसी तरीके से आप खुद भी चीज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बताया आपको 10 प्लेटफॉर्म जहाँ से आप पॉडकास्ट के थ्रू कमाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग आपकी एड्स मोनेटाइजेशन से होगी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको काम शुरू करना होगा पॉडकास्ट के ऊपर। अच्छे से माइक बाय करें, कैटेगरी को डिसाइड करें, डिसाइड करेंगे आपको अकेले करने हैं, फ्रेंड के साथ मिलकर करना है, आपको 1-to-1 करना है, फिर एंकरिंग से स्टार्ट करना है, एडिटिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है, आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लेना है। जैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट होता है आप 2-3 पॉडकास्ट अपलोड करते हो, उसके बाद आपको अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है, आपको समझ में आएगा कि पॉडकास्ट काम कैसे कर रहा है, वॉच टाइम कैसे आ रहा है, फिर आपको अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना शुरू करना है। इसके साथ ही आपको अच्छा सा पॉडकास्ट के लिए एक लोगो क्रिएट कर लेना है जो आप कैनवा के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। उसके साथ आपको एक कवर फोटो क्रिएट करना है जो कि जितने भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपको सेम कवर फोटो और सेम प्रोफाइल फोटो आप पे अपलोड करना है। सभी पे बायो भी आपका सेम होना चाहिए, आपकी ब्रांड इमेज एक कंप्लीटली सेम दिखनी चाहिए। बस इतना सा करते ही कंटेंट डिसाइड करना है, कैटेगरी डिसाइड करनी है, काम कैसे करना है डिसाइड करना है, फिर स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर आपको शूट करना स्टार्ट करना है, फिर जो सॉफ्टवेयर बोला उस सॉफ्टवेयर पे जाके आपको ऑडियो एडिट करनी है और आपका काम करना शुरू करना है। 2024 में 24 ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आप ऑनलाइन कर सकते हैं घर बैठे। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो ये रहा वीडियो। या फिर आपको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट करना है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अदर वेबसाइट के थ्रू, काफी सारी अलग अलग वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू, तो वो वीडियो आपको यहाँ दिख रहा है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हो तो लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय।